राज शमानी एंड संदीप माहेश्वरी की बिटवीन दे आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ दे वर्क विथ ब्लैंको किंग्स का जो किंग का जो प्रोडक्ट है ब्लैंको का परफ्यूम ब्रांड रीजन पुनीत सुपरस्टार से उन्होंने एक ऐड करवाई है ना और एक ही ऐड के थ्रू जिनने उन लोगों को अराउंड मे बी 10 to 30,000 पुनीत सुपरस्टार को ऐड का पे किया और एक रील से उन्होंने 35 lakhs की सेल्स करी. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी. देखो कम्युनिटी है आपके पास और स्ट्रांग है, आप पे ट्रस्ट करती है, बिलीव करती है, तो मेरे हिसाब से तो आप मिट्टी भी सेल कर सकते हो लोगों को. ओके बस ये रहेगा कि आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग है. अगर ऐसा है कि आपने जैसे लिपसिंग करके एक कम्युनिटी बहुत सारी इकट्ठा कर ली है लेकिन आप पे ट्रस्ट नहीं करती है, बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आपको फॉलो कर रखा है, तो वो उस कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे. आपको उनको कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या तो ऐसा होना चाहिए आप अगर एंटरटेनमेंट भी कर रहे हो उनका तो ऑडियंस आपसे कनेक्ट करनी चाहिए. ऑडियंस का आपसे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे ही जो रोगन अपने कम्युनिटी को कैसे मोनेटाइज कर रहा है, एक पानी की बोतल के थ्रू जिसकी प्राइस अराउंड 300 INR है. इंडियन ऑडियंस ऐसी है कि आप अगर किसी के लिए हेट या क्रिटिसाइज कंटेंट बनाओगे तो जल्दी वायरल होता है. अगर आप किसी की भलाई करने जाओगे, किसी चार लोगों की मदद करने जाओगे तो धीरे धीरे होगा लेकिन सही ऑडियंस का पहुंचता है. लेकिन यहीं आप किसी को गाली दे रहे हो, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो तो जल्दी चीजें वायरल हो जाती हैं. ये फॉर एन एग्जांपल अगर अपन ये पॉडकास्ट लॉन्च करेंगे मे बी 1,000 या 1 lakh तक मुश्किल से व्यूज आ जाएं है ना, बट यहीं अगर अपन चार लोग की बुराई करें इसी पॉडकास्ट के बीच में आप ऐसे रोड पे निकल के किसी को थप्पड़ मार के वीडियो रिकॉर्ड मे बी 10 मिलियन व्यूज 50 मिलियन व्यूज आराम से. तो यही है कि अच्छी चीजें बहुत धीरे धीरे वायरल होती है, बट हाँ अगर ये वायरल होती है तो आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करते हो और वो ऑडियंस समझदार होती है. ब्रांड्स भी आजकल बहुत समझदार हो गए, वो देखते हैं कि उनकी ऑडियंस कैसी है. अगर उनको लगता है कि उनकी ऑडियंस अच्छी है समझदार है तो प्रमोशन के रेट भी ऐसे हैं. फॉर एग्जांपल कि मैं प्रैंक शूट करता हूँ, बहुत जगह आके प्रैंक रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे 10 million सब्सक्राइबर है. आप फाइनेंस के क्रिएटर हो, आप फाइनेंस की बातें करते हो, आपके भी 10 million है, तो रेट में इतना डिफरेंस रहेगा कि आपको एक रील के लिए वो 60 to 70 lakh rupees पे करेंगे, जहाँ मेरे को 60 to 70,000 rupees में उनका काम करके देना पड़ेगा. 100x मतलब 100x ऐसा समझ लो आप सीधे, इतना बड़ा फर्क है सिर्फ एक अच्छी नीच चूज करने के लिए. हर किसी की एक कीमत होती है, पैसे से सबको खरीदा जा सकता है. हर किसी की एक कीमत होती है ना, तो यही चीजें यहाँ पे आ रही हैं. बिल्कुल. और सेलिब्रिटीज के पास और इन्फ्लुएंसर्स के पास अच्छी ऑडियंस है, दबा के ऑडियंस है, और ब्रांड्स एक कीमत लगाते हैं वो बिक जाते हैं. हाँ हर क्रिएटर की कोई ना कोई वैल्यू होती है. अगर आपका ब्रांड अच्छा है और उनको क्रिएटर्स को लगता है कि इस ब्रांड से या फिर किसी चीज़ से उसके ऑडियंस का कुछ अच्छा हो रहा है तो हो सकता है क्रिएटर कुछ कम पैसे चार्ज करे, बट हाँ अगर वो जो चीज़ उसके ऑडियंस के लिए जितनी बेकार होती है वो क्रिएटर उस चीज़ के उतने ही ज़्यादा पैसे चार्ज करता है. एग्जाम्पल अपना अक्षय कुमार कंट्रोवर्सी विमल वाली. बिल्कुल है ना. और आज की डेट में आप देख लो हर इन्फ्लुएंसर बैटिंग प्रमोशन कर रहा है. हर आज से 5-10 साल पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं कभी भी ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं करूँगा जिससे मेरी ऑडियंस को जो लोग मेरे को इंस्पिरेशन मानते हैं उनका नुकसान हो, बट विमल वालों ने एक कीमत लगा दी अक्षय कुमार की, तू 5 crore में नहीं कर रहा है 15 crore में कर, 15 में नहीं कर रहा 25 में कर, लेकिन कर दिया उन्होंने. तो आपने सही बोला कि हर किसी की एक वैल्यू होती है, हर किसी की एक कीमत होती है. बिक गया अक्षय कुमार, आप बिकोगे अगर आपकी कीमत लगाई जाए तो? देखिए वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना ऑफर कर रहा है. अगर मेरे को इतने पैसे देता है जितने मैं कुछ गलत भी प्रमोट कर दूं और मेरी लाइफ सिक्योर हो जाए तो शायद मैं कर दूं. दैट मींस मनी इज इम्पोर्टेंट. पैसा ही सब कुछ है. देखो मैं यहाँ बैठा हूँ तो पैसे के लिए बैठा हूँ, पैसा सब कुछ भी नहीं है तो चल रहा है मार्केट में, तो ये होना बहुत जरूरी है. पहली बार सुन रहा हूँ मैं, ऐसा होता है? ऐसा होता है. बहुत सारे जो जिनको पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से आती है वो लोग करते क्या, एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं, बनाते भी नहीं खरीद लेते हैं. जैसे 20,000 हैं उस पर, पहले उस अकाउंट पे कुछ और चल रहा था, वो लोग अगर 20,000 फॉलोअर्स हैं उस पर, 50,000 फॉलोअर्स हैं, तो उनको 5-10,000 rupees में खरीद लेते हैं, सारी पोस्ट आर्काइव मारते हैं, फिर अपनी एक अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं किसी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर, उसके ऊपर अच्छी एडिटिंग करा देते हैं, उसके ऊपर ऐड चलवा देते हैं, उस पर अगर 100K लाइक्स वगैरह आ जाते हैं तो ऐसी 25-30 वीडियो रिकॉर्ड करके फिर ब्रांड को अप्रोच कर देते हैं कि हमारे पास इतनी सारी ऑडियंस है, सारी रियल है, एंगेजमेंट भी अच्छी है, तो आप हमसे हमारा प्रमोशन करवा लो. ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स आती जहाँ से आप प्रमोशन कर सकते हो किसी का भी, तो वेबसाइट उनसे प्रमोशन करवा लेती है और वो 2-3 promotion में उनका सारा पैसा बाहर निकाल लेते हैं.
ब्रांड्स को ये चीजें समझ में नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि जो एक ब्रांड है ना, उसने भी किसी ने किसी को हायर कर रखा है, वो भी एज अ फॉर्मेलिटी क्रिएटर ढूंढता है। वो ऐसा थोड़ी कि उसके जेब से पैसा नहीं जा रहा, उसने किसी को हायर कर रखा है। वो बंदा क्या सोचेगा, ठीक है आज का हमारा टारगेट है कि 4 इन्फ्लुएंसर से बात करनी है, मैं कर लेता हूँ, कंपनी वालों को क्या ही पता चलेगा। और इतनी डीप एनालिसिस कोई नहीं करता है कि उसकी क्या ऑडियंस है, उसके फॉलोअर्स चेक करूँ मैं कितने टाइम से, इतना कोई आजकल देखता नहीं है। तो अंगद, हाउ आर यू? बढ़िया बिल्कुल, आप कैसे हो? ऑल राइट। सो अपने लास्ट पॉडकास्ट में अपन ये डिस्कस किया था कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर कितना पैसे कमा रहे हैं एक रील के थ्रू, जस्ट अ रील के थ्रू। लाइक ब्रांड्स तो भर भर के उनके पास आ ही रहे हैं, है ना। सो सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू इज लाइक कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कमा तो रहे हैं थ्रू ब्रांड्स प्रमोशंस, ऑलराइट। सेकेंड चीज है वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं थ्रू मैसिव ऑडियंस, हाँ, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, कोई सा भी स्टार्टअप हो या खुद का कुछ भी स्टार्ट करना हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए। ओके, और इन लोगों के पास ऑडियंस है, उनके पास पैसा है, वो उनके ऑडियंस को समझते हैं कि उनको अगर किसी भी चीज़ का स्टार्टअप करें तो क्या करेंगे जो उनके ऑडियंस बाय करें, या कोर्सेज बनाएं तो किस टाइप के कोर्सेज उनके ऑडियंस को पसंद आए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फाइनेंस क्रिएटर है, हाँ, तो कोर्स लॉन्च करेगा तो फाइनेंस के नीच में ही करेगा। ऑलराइट। अगर कोई ऐसा बंदा है जो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स में है, तो ऐसी चीज़ करेगा जो पॉलिटिक्स रिलेटेड हो, तो जैसे क्लोदिंग ब्रांड में आ सकता है वो। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर बहुत ही लार्ज ऑडियंस है, हर जगह उसकी कम्युनिटी वगैरह स्ट्रांग है, तो रेस्टोरेंट वगैरह में भी आजकल के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जा रहे हैं, वो इसलिए स्विच कर रहे हैं अपना, साथ साथ में उनका कंटेंट क्रिएशन तो चल रहा है, बट वो अपनी जो लाइफ है उसको सिक्योर करने के लिए दूसरे बिजनेस में भी एंटर कर रहे हैं, ताकि कल को अगर कंटेंट क्रिएशन उनके पास नहीं हो तो उनके पास एक पैसे की सिक्योरिटी हो कि चलो ये नहीं चला तो अपना एक चीज़ चल रहा है, और अभी उनके पास पूरी पावर है सोशल मीडिया की, तो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं वो उस चीज़ में। वो बेसिकली वो उनके ऑडियंस को शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। व्हाट आई बिलीव कि आपके पास ऑडियंस तो है, पर एक पावरफुल कम्युनिटी होनी चाहिए। हाँ, सेम है सेल्विश यादव। तो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी फ्यूचर में, आप जो भी ब्रांड लेके आओगे सेल्स बहुत ताकतवर रहेगी उसकी। हाँ, टेक इट एग्जांपल कि एक रील बहुत वायरल हो रही है राज शमानी एंड संदीप माहेश्वरी की, बिटवीन दे आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ दे वर्क विथ ब्लैंको, किंग्स का जो किंग का जो प्रोडक्ट है ब्लैंको का परफ्यूम ब्रांड। रीजन, पुनीत सुपरस्टार से उन्होंने एक ऐड करवाई, है ना, और एक ही ऐड के थ्रू जिनने उन लोगों को अराउंड मे बी 10-30,000 पुनीत सुपरस्टार को ऐड का पे किया, और एक रील से उन्होंने 35 लाख की सेल्स करी। हाँ, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी सही। सो कम्युनिटी के बारे में आप क्या बोलोगे? देखो, कम्युनिटी है आपके पास और स्ट्रांग है, आप पे ट्रस्ट करती है, बिलीव करती है, तो मेरे हिसाब से तो आप मिट्टी भी सेल कर सकते हो लोगों को। ओके, बस ये रहेगा कि आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग। अगर ऐसा है कि आपने जैसे लिपसिंग करके एक कम्युनिटी बहुत सारी इकट्ठा कर ली है, लेकिन आप पे ट्रस्ट नहीं करती है, बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आपको फॉलो कर रखा है, तो वो उस कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे। आपको उनको कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या तो ऐसा होना चाहिए कि आप अगर एंटरटेनमेंट भी कर रहे हो उनका, तो ऑडियंस आपसे कनेक्ट करनी चाहिए। ऑडियंस का आपसे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही अपने कम्युनिटी को कैसे मोनेटाइज कर रहा है, एक पानी की बोतल, हाँ, के थ्रू, जिसकी प्राइस अराउंड 300 INR है। सो दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिटी। सही, अगर लोग आपसे रिलेट कर पा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि अगर आप कुछ भी चीज लॉन्च करो तो उसका एक पार्ट का हिस्सा होना चाहते हैं लोग। एल्विश यादव के बारे में मैंने सुना है कि उसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग तो है ही है, दैट्स व्हाई उसके हर नीश में वो बिजनेस बनाते चल रहा है। इसके बारे में क्या बोलोगे आप? देखिए, अपने को ऐसा लगता है कि एल्विश यादव फालतू टाइम पास कर रहा है किसी चीज़ में, बाकी मेरे हिसाब से जो बंदा आपसे ज़्यादा पैसा कमाता है आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमको शायद उसका एक जो कॉइन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं, हम शायद वही वाला देख रहे हैं, ताकि ऐसा भी हो सकता है कि हम शायद उसे जल रहे हों, या तो उसकी बैड वाली साइड ही हम देख रहे हैं। वो स्टॉक मार्केट में भी 4-5 साल से है,
उसका खुद का टेलीग्राम चैनल है जिस पर लाखों बंदे हैं, उस पर कॉल्स प्रोवाइड करता, मतलब उसको स्टॉक मार्केट का बहुत डीप नॉलेज, उसने उससे 50 करोड़ से ऊपर सिर्फ स्टॉक मार्केट से बना रखे हैं। उसका क्लोथिंग ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड को ओन करना सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एक टी शर्ट निकाल दो उस पर अपना नाम डलवा दो उसको करना, उसका बहुत ही बड़ा क्लोथिंग ब्रांड भी चल रहा है, उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करता है वो, उसके ब्लॉग्स चलते हैं, उसका एक अलग से चैनल है, मतलब इतनी सारी चीज़ें कोई बंदा अगर हैंडल कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर टैलेंट है, तभी कर पा रहा है। ऐसा हर कोई क्यों नहीं कर पा, किसी को ट्रोल करना बहुत आसान होता है, कमेंट करना किसी के इसके नीचे कि हाँ इसको तो बिग बॉस से फेम मिल गया, लेकिन बिग बॉस में जो लोगों ने उसको सपोर्ट करा उनकी मतलब क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न भी तो होगा कि लोग क्यों कनेक्ट कर पा रहे हैं उससे, सबसे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इंडिया में हर तीसरा बंदा व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है, सबके 15 मिलियन सब्सक्राइबर क्यों नहीं है, मतलब कुछ तो होगा उस बंदे में, तो हमको वो देखना चाहिए उसकी वाली साइड जिससे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, जहाँ वो पूरे एफर्ट्स डालता है मेहनत वाली साइड। मतलब आप पूरे दिन को सिर्फ 15 मिनट में दिखा रहे हो आप, फिर उसका एक अलग से चैनल पे वो दूसरा डाल रहा है, एडिटिंग करता है, मतलब कहीं ना कहीं अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है अपना, अगर अपनी प्राइवेसी भी दिखा रहा है, अपने घर की चीज़ें भी दिखा रहा है, तो उसमें कभी ना कभी उसको भी लगता होगा, डर लगता होगा कि लोग कुछ कर ना दें, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, आप अपनी फैमिली को कैमरे के सामने नहीं ला सकते, आप 10 बार सोचोगे, बट वो ला रहा है उस चीज़ को, तो ये रहता है कि कभी ना कभी उस चीज़ का उसको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, और कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ के लिए लेके लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो दोनों चीज़ है। हु इज़ योर फेवरेट कॉन्टेंट क्रिएटर जो कि अच्छे मोनिटाइजेशन लेवल पे है, कि जो भी उन्हें काम कर रहे हैं उससे अच्छा कमा भी रहे हैं और साइड बाय साइड उसी वर्क से अपने अलग अलग बिजनेस भी चला रहे हैं? देखो मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट कॉन्टेंट क्रिएटर तो भुवन बाम है स्टार्टिंग से। वाई? क्योंकि मैं उसको देखता रहा हूँ फ्रॉम 7 ईयर्स। ओके। और ऐसा नहीं कि वो बंदा स्टार्टिंग से ही बहुत पॉपुलर है, उसने स्टार्ट करा था तो सिर्फ एक फ़ोन के कैमरे से, और काफ़ी अच्छी वीडियोस, और साथ साथ में उसके बिजनेसेस भी काफ़ी सारे हैं मेरे हिसाब से, क्लोथिंग ब्रांड उसका भी है। ओके। हुतियापा करके, मतलब एक टाइम पे सबसे ज्यादा सेल होने वाला ब्रांड है हुतियापा करके, आई थिंक हुतियापा, हाँ ऑल राइट, ऐसे कुछ मर्च वगैरह उसने लॉन्च करी थी 2018-19 के टाइम पे। ओके। और वो उस टाइम की सबसे सक्सेस ब्रांड भी बन गई थी। कुछ रेवेन्यूज के बारे में पता है उनके? रेवेन्यू वगैरह तो मेरे को एक्यूरेट नहीं याद, बट हाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर दिया था भुवन बाम ने, और साथ साथ में एक फ्रंट कैमरे से स्टार्ट करके उसकी वीडियोस इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी होती गई, और कम्युनिटी भी इतनी अच्छी स्ट्रांग होती गई उसकी, कि उसका एक वेब सीरीज, दो वेब सीरीज निकाल दी जिसमें से इंडिया में 6th या 7th नंबर पे उसकी ताज़ा खबर इतनी अच्छी बना रखी थी उसने। दैट मीन्स आपके पास अगर स्किल है कैमरे के सामने बात करने की, बट आपके पास ब्रेन भी होना चाहिए। सही है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप अगर कैमरे के सामने बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो, आप सिर्फ उठ के गालियां नहीं दे सकते, अगर गालियां भी दे रहे हो तो उसके पीछे आपको कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा, गालियां किसको दे रहे हो, आप उठ के से डायरेक्ट गवर्नमेंट को गाली नहीं दे सकते, आप ऐसे उठ के किसी के माँ बाप को गाली नहीं दे सकते, आप अगर गाली भी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ से उसको रिलेट करना पड़ेगा, कि जो सच में है वो क्या बोलते हैं उसको, जो सच में डिजर्व करता है गाली, आप उसको गाली दे सकते हो, तो गालियां देना कोई बुरी बात नहीं है, सब गालियां देते हैं, बट ये है कि कोई कैमरे के सामने दे रहा है तो कोई कैमरे के पीछे दे रहा है, किसी का रिकॉर्ड हो जाता है किसी का रिकॉर्ड नहीं होता है। व्हाट आई थिंक कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को यूट्यूबर और इंस्टाग्राम पे कॉन्टेंट बनाने के लिए क्यों रोकते हैं, बिकॉज उन्होंने देखा होगा कि 18 प्लस कंटेंट बहुत चल रहा है, लाइक कैरी मराठी का आप कंटेंट देखो तो पूरा अडल्ट है, गालियों से भरा हुआ, जो कि अश्लील कंटेंट बोलते हैं, उधर क्रिंज कंटेंट क्रिएटर भी आ जाते हैं जैसे दीपक कलाल, ये बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो पेरेंट्स तो बच्चों को रोकेंगे ही ना, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? देखो अगर कहीं से, मैंने वही बताया था कि वो कॉइन के दो पहलू होते हैं, अगर आपको कहीं पॉजिटिव दिख रहा है तो कहीं नेगेटिव भी दिखेगा, और पहले जैसा था यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे अगर आप बुरा कंटेंट देख रहे हो, लेकिन वो कंटेंट वो भी चलता है बहुत कंटेंट, तो देखो ऑडियंस दोनों इंडिया, आप इंडिया, इंडियन ऑडियंस ऐसी है कि आप अगर किसी के लिए हेट या क्रिटिसाइज कंटेंट बनाओगे तो जल्दी वायरल होता है, अगर आप किसी की भलाई करने जाओगे, किसी 4 लोगों की मदद करने जाओगे तो धीरे धीरे होगा, लेकिन सही ऑडियंस का पहुंचता है, लेकिन यही आप किसी को गाली दे रहे हो, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो, तो जल्दी चीजें वायरल हो जाती हैं। ये फॉर एन एग्जांपल अगर अपन ये पॉडकास्ट लॉन्च करेंगे, मे बी 1000 या मे बी 1 लाख तक मुश्किल से व्यूज आ जाएं, हाँ। है ना, बट यहीं अगर अपन 4 लोग की बुराई करें इसी पॉडकास्ट के बीच में, आप ऐसे रोड पे निकल के किसी को थप्पड़ मार के वीडियो रिकॉर्ड कर दो, मे बी 10 मिलियन व्यूज 50 मिलियन व्यूज आराम से,
तो यही है कि अच्छी चीज़ें बहुत धीरे धीरे वायरल होती है, बट हाँ अगर ये वायरल होती हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करते हो और वो ऑडियंस समझदार होती है, और वहीं जो लोग ऐसे हरकतें करते हैं, प्रैंक करते हैं, उनकी कम्युनिटी रहती है, बट ऐसा नहीं रहता कि उनके बोलने से वो उनके पैसे कहीं डाल दें, कोई ब्रांड प्रमोट करें। तो ब्रांड्स भी आजकल बहुत समझदार हो गए, वो देखते हैं कि उनकी ऑडियंस कैसी है, अगर उनको लगता है कि उनकी ऑडियंस अच्छी है, समझदार है, तो प्रमोशन के रेट भी ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं प्रैंक शूट करता हूँ, बहुत जगह आके प्रैंक रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आप फाइनेंस के क्रिएटर हो, आप फाइनेंस की बातें करते हो, आपके भी 10 मिलियन है, तो रेट में इतना डिफरेंस रहेगा कि आपको एक रील के लिए वो 60 से 70 लाख रुपए पे करेंगे, जहाँ मेरे को 60 से 70 हजार रुपए में उनका काम करके देना पड़ेगा। 100x मतलब 100x ऐसा समझ लो आप, सीधे इतना बड़ा फर्क है सिर्फ एक अच्छी नीच चूज करने के लिए। बट ये कि कमा दोनों रहे, दोनों का घर चल रहा है, बाकी वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको पब्लिक को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, या तो सिर्फ एंटरटेनमेंट, सिर्फ अपने पैसे कमाने की वजह से दूसरों को यूज करना है, या दूसरों का बुरा करके सिर्फ अपना पैसा कमाना है। बट हाँ, एक ना एक दिन जाके आपको भी रियलाइज होगा कि आपने गलत किया है। ओके, दैट मींस अगर अपन सीरियस फोकस कंटेंट पे वर्क करेंगे, हाँ, तो मे बी यू कैन मोनिटाइज इट इन अ बेटर वे। बिल्कुल। और अगर आप लाइक इधर उधर का कॉन्टेंट या कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्टेंट पिक करके तो आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत लो होगी, फ्यूचर में आप कोई भी ब्रांड लेके आओगे तो वहाँ आपको इश्यूज आएंगे। हाँ, अगर आपकी इमेज पब्लिक में खराब है तो ब्रांड आपको अप्रोच करने से पहले 3 बार सोचेगा। वो ये भी देखते, ब्रांड ऐसा थोड़ी कि बस उनको 3 सेकंड का, 10 सेकंड का प्रमोशन चाहिए, वो क्या ढूंढते हैं, रिजल्ट। अगर आप उनको रिजल्ट ही नहीं दे पा रहे हो तो आपके पास क्यों आएंगे। दिस इज द पॉइंट। हाँ बिल्कुल, ऑल डिपेंड ऑन रिजल्ट। अगर हमने किसी ब्रांड का काम किया, उन लोग के पास लीड्स भर के आई थ्रू अवर प्रमोशन, तो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास ही आएंगे वो, और मे बी विद अ गुड बजट अमाउंट, मे बी 2x और 3x। अगर आपके पास इस बार बजट 50 लाख का लेकर आए, आपने उनको सेल्स 10 करोड़ की करके दी, तो नेक्स्ट टाइम पक्का वो आपके पास 2 करोड़ रुपए लेकर आएंगे, इसलिए क्योंकि आप उनको लगेगा कि अगली बार मेरे को ये 40 करोड़ की सेल्स करके दे सकता है बंदा। तो डिपेंड करता है आप पे। जैसे आपने मेरे को ब्लैंको का एक एग्जांपल दिया था कि जैसे पुणे सुपरस्टार की ऑडियंस अच्छी है, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि मतलब वो फाइनेंस के जो बंदे हैं उनको, उनके कंपैरिजन में। तो अगर आप वहीं जैसे राज शमानी हो गया और किंग, अगर इनका ही कोई सा कोर्स होता जो फाइनेंस से रिलेटेड होता, अगर वो पुणे सुपरस्टार से प्रमोट कराते तो मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा रिजल्ट मिलता। लेकिन परफ्यूम है, परफ्यूम हर बंदा लगाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो नहीं हो। मैं ऐसा नहीं बोला कि पुणे सुपरस्टार की ऑडियंस पढ़ी लिखी नहीं है, बट हाँ परफ्यूम कोई भी किसी के कहने से लगा सकता है, क्योंकि 300-400 रुपये की चीज़ है वो, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये की चीज़ है, तो आदमी लगा सकता है, उसमें नुकसान नहीं है। बट कोर्सेज 5,000 के 10,000 के रहते हैं, तो उनके लिए एक फिक्स टारगेटेड ऑडियंस रहती है। अगर किसी को अपना प्रमोट करवाना है कोर्सेज वगैरह जो फाइनेंस में, तो बिल्कुल उनके फाइनेंस शरण के पास, नेहा नागर के पास, राज सामानी के पास, इनके पास ही जाएंगे वो, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी वैसी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है जो इनका कोर्सेज खरीद सके आराम से, और उनके पास पैसा होता है। मेन बात ये है, मेन उनकी ऑडियंस नॉलेजेबल होती है। बिल्कुल, वो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उनके ऑडियंस को। ओके, थोड़ा ऑडियंस थोड़ी आपके पास एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए आ रही है, हाँ, या मस्ती मजाक के लिए आ रही है, या नॉर्मल आपका टाइम पास के लिए आ रही है, हाँ, तो मोनेटाइजेशन बहुत स्लो होगा। देखो मोनेटाइजेशन तो होगा, बट वो है कि अगर हम कंपेयर करें फाइनेंस के सेक्टर को स्टॉक मार्केट के सेक्टर से, तो उससे कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा क्या मतलब बहुत ज़्यादा ही कम होगा। बट हाँ, मोनेटाइजेशन दोनों जगह आराम से हो जाता है अगर आपके पास ऑडियंस हो तो। मतलब एक यूट्यूबर जिसके 100K सब्सक्राइबर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से वो एक वीडियो के 50 से 1 लाख रुपए तक चार्ज आराम से कर लेता है, वो किसी भी सेक्टर का हो, चाहे प्रैंक शूट करता हो, स्टॉक मार्केट का, तो फिर भी 3 से 4 लाख रुपए पर वीडियो मांग लेते हैं वो लोग। तो मतलब यूट्यूबर्स इतना अच्छा कमाते हैं ब्रांड प्रमोशन से, हमको लगता है कि यूट्यूब के थ्रू जो एडसेंस होता है उससे पैसा आता है, बट हाँ वो उनके लिए बहुत छोटा अमाउंट होता है। अगर उनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है तो उससे 4x 5x ज़्यादा एड रेवेन्यू ज़्यादा वो लोग ब्रांड प्रमोशन से कमाते हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ये भी करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी ऑडियंस थ्रू लाइक उनके पास अगर हंसाने की कला है तो वो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उस कला से अपनी स्किल से ऑडियंस बिल्ड कर देते हैं, और उनके पास दिमाग तो रहता ही है। बिल्कुल, है ना, ऑडियंस आ जाती है, देन खुद अपने आप को नॉलेजेबल बना के लोगों को नॉलेज करने के लिए उतर जाते हैं, जहाँ पे वहां से वो अच्छा पैसा कमा सके। बिल्कुल, लाइक वाइज एग्जाम्पल मैं लूँ तो तन्मय भट्ट, हाँ, आजकल देखो मार्केट में यही चल रहा है, लोग स्टार्टिंग से आप नॉलेज देने चले जाओगे तो आपको कोई नहीं देखेगा, अगर वहीं आप ट्रेंड को फॉलो कर लो
या फिर किसी कंट्रोवर्सी में पड़ जाओ तो आपके पास क्या होगा, आपके पास देखने वाले 1000 लोग हो जाएंगे, ठीक है। वो 1000 लोग भले आपको हेट करते हैं, बट अगर आपको 1000 लोग हेट कर रहे हैं उसके बाद आपने कुछ अच्छे स्टेप कर दी, मतलब कोई अच्छा स्टेप ले लिया जिसमें आप बहुत लोगों की हेल्प करने लग गए या कुछ भी अच्छा काम कर दिया, तो हो सकता है कि वो 1000 लोगों में से 500 लोग आपके फेवर में आ जाए। तो सबसे पहले होता है आपको कुछ करना, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, आपको ऑडियंस की नज़र में आना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। फिर वो तो ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि वो आपको अच्छे तरीके से देखती है या बुरे तरीके से देखती है। बहुत सारे लोग ये ट्रिक यूज़ करते हैं कि पहले कुछ बेकार कर दो, कंट्रोवर्सी में आ जाओ, या तो कोई गलत ट्रेंड हो रहा तो उसमें पड़ जाओ, ऐसे करके वो ऑडियंस की नज़र में आ जाते हैं और उसके बाद फिर वो लोग एक अपनी खुद की कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा काम वो करते होंगे उनकी लाइफ में जो लोग रिलेट कर पाते हैं। हो सकता है अगर वो आदमी बुरा काम ही कर रहा हो तो बहुत सारे लोगों को बुरे काम देखना भी पसंद है, लोग उससे रिलेट, बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो गन वन निकाल के रोड पर रील शूट कर रहे हैं, तो ये हमको बुरा लगता है, आपको बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है, लेकिन ऐसा थोड़ी, बहुत सारे लोग रहते हैं उनकी मेंटेलिटी होती है कि मेरे को बड़े होकर ऐसे आवारे जैसे ही घूमना है, ब्लैक स्कॉर्पियो लेनी है, ब्लैक फॉर्चुनर लेनी है, ब्लैक फॉर्चुनर में घूमूंगा, तो बहुत सारे लोगों को वो चीज़ ही पसंद है। और ऐसे लोग आपके आसपास भी होते हैं, आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें जो लोगों को देख के उनका डोपामाइन रिलीज हो जाता है इससे कि यार ऐसा अपने को भी करना, अपने को भी गन रखनी अपने पास में, ऐसे माफिया टाइप के लोग। तो कुछ अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ दोनों डिपेंड करती है कि लोग क्या चूज़ करते हैं, दोनों ऑडियंस है आपके पास, वो मार्केट में है, अवेलेबल है। यू आर ट्राइंग टू से लाइक कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने आप है लग्जरी लाइफ नहीं है उनकी, बट दिखाते हैं ऐसा कि दे आर 24 आवर लग्जरी में जी रहे हैं, और वैसा ही कंटेंट अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, हाँ, और वहाँ से अपना बिजनेस चलाते हैं। देखिए ऐसा मेरे साथ 1-2 साल पहले हुआ था, स्टॉक मार्केट में मैं या क्रिप्टो मार्केट में आप कह सकते हैं मैं एंटर ही हुआ था। फिर क्या हुआ था कि मैं सर्च करने गया था कि जो लोग अच्छे पैसे कमाते हैं स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो में तो कैसे कमाते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया। फिर मैंने देखा कि वो लोग रोज़ बड़े बड़े होटल में जा रहे हैं, वहाँ उनके स्नैप्स बना रहे हैं, वहाँ उनकी स्टोरी डाल रहे हैं, फिर उसके बाद वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ यार कुछ ना कुछ तो इनके पास ऐसी नॉलेज होगी जिससे इतना सारा मोटा पैसा बना रहे हैं ये, और मुझे लगता था कि वो लोग अंधा पैसा बना रहे हैं क्योंकि वो ऐसा स्टोरी में प्रिटेंड करते थे। फिर धीरे धीरे मैंने उनको DM करा, बहुत ही मतलब 2-3 ID से DM करा कि भैया प्लीज़ मेरे को बता दो कि पैसे कैसे कमाने हैं। तो उनका आया कि थोड़े टाइम वेट करो, हम आपको आगे रह के मैसेज करेंगे, आगे रह के नहीं उनकी टीम आपको मैसेज करेगी थ्रू मेल या फिर थ्रू DMs। तो मुझे लगता था कि यार बंदा जेन्युइन है, अगर इसको सिर्फ कोर्स ही सेल करना होता तो अभी तक तो कर चुका होता, बट वो इनडायरेक्टली एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहा था और वो कर रहा था कि मेरे को उस चीज़ को लेने की बहुत जो चीज़ हुक कर रहा था, जो चीज़ ईजिली नहीं मिलती हमको हम उसके पीछे और पड़ जाते हैं, और जो चीज़ ईजिली मिल जाती है हम सोचेंगे यार ये तो ईजी मिल रही, हर कोई ले लेता, हर कोई अमीर हो जाता। तो उसने मेरे को काफ़ी टाइम तक ऐसे हुक करके रखा कि हाँ दे देंगे। फिर मेरे अंदर भी इंटरेस्ट बना यार कि ये कोर्स चाहिए मेरे को भी, ऐसे लंबी गाड़ी में जाना है, लग्जरी गाड़ी में घूमना है, अच्छे अच्छे होटलों में रहना है। तो फिर मैंने उसने मेरे को 5,000 रुपये में कोर्स ज्वाइन करा दिया। फिर कोर्स ज्वाइन करा दिया मैंने, सोचा अगले महीने से तो हम भी अमीर हो जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। बट कोर्स में वही था जो यूट्यूब पर आप नॉर्मल सिखाते हो, पहले स्टार्टिंग की 5-10 क्लास यही थी कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये चार्ट पैटर्न, ये तो हमको मतलब यूट्यूब पे आप डाल दो तो यूट्यूब पे ऐसा है कि आप कुछ भी डाल दो आपको सब फ्री में मिल जाएगा, आपको कहीं भी कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब ऐसे कोई सी भी नॉलेज नहीं है जो आपको यूट्यूब पे ना मिल जाए, जिसके लिए आपको पैसा देना पड़े। ऐसा क्या आता उसको जिसके लिए आप उसको पैसा दोगे, मतलब सब कुछ ही अवेलेबल है यूट्यूब पे। लाइक आपको अगर बिरयानी बनाना नहीं आती है सर्च कर, आप यूट्यूब, अब आप उसके लिए कोड, आपको कोडिंग नहीं आती है आप कोडिंग सीख सकते हो, पाइथन नहीं आता है। देखो मुश्किल उनको होता है जिनका गोल डिसाइड नहीं है कि उनको क्या करना लाइफ में, तो 50 चीजें देखेंगे फिर बोलेंगे कि मैं ये करूँ, उनका मन इधर उधर जाएगा। लेकिन अगर वही डिसाइड हो जाएगा कि जैसे एक एथलीट है उसको पता है कि उसको 100 मीटर में ही करना है, तो क्या वो दूसरी चीज़ें थोड़ी सीखा कि स्टॉक मार्केट सीख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। उसका जब गोल डिसाइड है तो बस वो रनिंग करेगा, प्रैक्टिस करेगा, और उसमें हो सकता है कि अगर अच्छे से करे तो उसको सक्सेस मिल जाए। वहीं सोचेगा कि यार रनिंग में नहीं हो रहा है मैं स्टॉक मार्केट कर लेता हूँ, तो स्टॉक मार्केट में 10 दिन करा, 10 दिन में नहीं हो रहा तो सोचा अरे मैं क्रिप्टो में चल जाता हूँ, क्रिप्टो में 10 दिन करा वहाँ लॉस खाया, अरे नहीं मैं तो कॉन्टेंट क्रिएटर बन जाता हूँ, कॉन्टेंट क्रिएशन करा 10 दिन नहीं हो रहा, अरे मैं तो वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, वीडियो एडिटिंग करा नहीं हुआ कुछ और कर लेता हूँ। तो देखो आप पहले आपका गोल डिसाइड होना बहुत जरूरी है। हाँ ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना जरूरी है, बट ये भी जरूरी है कि आपका गोल डिसाइड होना चाहिए कि आपको क्या करना लाइफ में, कब तक एक्सप्लोर करोगे आप, 1 साल 2 साल 3 साल, पूरी ज़िंदगी आपको एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ी बनी है। आपको ऑब्वियसली अगर घर पे लोग हैं तो पैसा देना पड़ेगा, फैमिली आपके पीछे, तो एक होना जरूरी है। एग्जीक्यूशन इज रियल एग्जीक्यूशन।
बिल्कुल। सो क्या हुआ उसके बारे में कि आप स्टोरी बता रहे थे कि बिल्कुल वो करके रखा आपने 5000 में। हाँ, मैंने 5000 में कोर्स खरीद लिया। फिर उसके बाद वही था जो सारी चीजें यूट्यूब पे थी वही चीजें, उसके अंदर भी तो कुछ ज्यादा सीख नहीं पाया मैं। फिर जब थोड़ा टाइम हो गया तो मैंने क्लासेस लेना बंद कर दी कि कोई मतलब की नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें तो ऑलरेडी यूट्यूब पे एग्जिस्ट करती थी, कुछ स्पेशल नहीं मिला मेरे को वहाँ से। और ऐसा आजकल सभी कर रहे हैं, कोई भी कुछ अलग आपको प्रोवाइड नहीं कर देगा, वही रहता है कि वो 50 जगह से कुछ चीजें निकाल के वो एक जगह पे ला के रख देता है। और आपको वो सर्टिफिकेशन दे रहे थे? बिल्कुल। सर्टिफिकेशन वगैरह तो क्या है, वो तो फोटोशॉप से कोई भी बना के आजकल दे सकता है। टोटली आपका कट गया। हाँ, कह सकते हैं कि, और कटना भी इंसान का बहुत जरूरी होता है, उसको अक्कल आती है। क्या पता अगर वहाँ मैंने मेरा कटता तो कहीं 50,000 से कट जाता मैं, तो वो तो अच्छा हो कि 5,000 रुपए से ही। तो आप फील क्या कर रहे थे उस टाइम? मतलब कुछ नहीं था, मैं गलती मेरी थी, मेरे को किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं करा था, मैंने खुद ने डिसीजन लिया था कि मेरे को ज्वाइन करना, इंटेंशंस मेरे गलत थे नहीं। मेरा ये था पैसा कौन नहीं कमाना चाहता है, तो मेरे को भी था कि मैं पैसा कमा लेता कुछ सीख के। बट हाँ, उधर से उन लोग साथ तक वो प्रोवाइड नहीं कर पाए जो मुझे चाहिए था, क्योंकि मेन बात है कि अगर वो अगर इतना अच्छा पैसा बना सकते वो तो दूसरे लोगों को क्यों सिखाएंगे। आपके पास मतलब कोई ऐसी चीज है जिसको करने से आप पैसा बना रहे हो, तो आप ये थोड़ी सोचोगे कि मैं 200 लोगों को 1000 लोगों को बना दूं, सब पैसा बनाने लग, सब अमीर हो जाएंगे तो गरीब कौन रहेगा। सब अगर पैसा बनाएंगे तो वो किसके पास रहेगा, यही बात है। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर या फेक इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर से सावधान रहने के लिए आप लोगों को क्या बोलोगे? मैं ये बोलूंगा कि जिसको भी आप फॉलो करते हो ना, अगर कुछ भी चीज़ हो बोल रहा था, आप अपना रिसर्च करो, किसी के बोलने से आप उस चीज़ को बाय मत करो, उसके कोर्सेज मत लो, आप खुद से एनालिसिस करो, आपके पास खुद का दिमाग है। क्योंकि देखो, उसको तो क्या है, दूसरे का प्रोडक्ट है, उसको पैसा मिल रहा है, 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, 5 लाख। पैसा किसी को मिलता तो आदमी कुछ भी प्रमोट कर दे, लोग 5 लाख रुपए के लिए तो मर्डर कर देते हैं, या तो फिर भी अपने ऑडियंस को कुछ बेकार चीज़ सेल करनी है उसको, तो 5 लाख रुपए के लिए तो कर देगा। मैं आज किसी भी कॉन्टेंट क्रिएटर को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि मेरा ये प्रोडक्ट है, उससे तेरे ऑडियंस का नुकसान होगा, लेकिन मैं देखो 5 करोड़ रुपए देता हूँ, तो आई थिंक हर बंदा, हर क्रिएटर मान जाएगा मेरा ब्रांड प्रमोट करने के लिए, मेरा कोर्स सेल करने के लिए। अभी रिसेंट में केस हुआ था, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने एक फेक इवेंट को प्रमोशन किया था। फेक स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में पता पड़ा कि इसका फेक इवेंट। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लाइक राज शमानी, चाय वाला, एमबी चाय वाला, प्रफुल बिल्लोरे, चेतन भगत, लोग कितना ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर, और 2-3 क्रिएटर्स और थे। तो दैट मींस उन लोग ने मिनिमम अगर 5-5 लाख रुपए भी उन लोग को दिए, एटलीस्ट 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया इन क्रिएटर्स पे। हाँ। और करीबन 10-15 करोड़ की सेल्स करी, और जो अपने उन लोग ने ऑडियंस को प्रॉमिस किया था वो नहीं करा। हाँ। एक्चुअली उन लोग ने एक स्टार्टअप इवेंट किया था और नितिन गडकरी जी को बुलाया था एज अ चीफ गेस्ट। यस। हाँ। सो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे? लाइक दे आर रियल इन्फ्लुएंसर्स, ऐसा नहीं है, बट उन लोग ने अपना प्रमोशन की स्टडी नहीं करी। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि क्रिएटर के इंटेंशंस प्योर होते हैं बट ब्रांड उनको बेवकूफ बना जाता है। ऐसा नहीं होता कि हर कॉन्टेंट क्रिएटर ही पैसे के लिए मर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ चीज़ें प्रमोट नहीं करते, खुद की रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं। वो तो जैसे अंकुर वारिको, ये भी था उनके साथ में, बट हाँ ये बंदा खुद की रिसर्च करता है। बट उस टाइम हो सकता है सामने वाला उससे ज़्यादा समझदार हो, तो उन्होंने अपना ब्रांड प्रमोट करवा लिया। बेसिकली उसमें था कि आप सब लोग फाइनेंस की ऑडियंस थी उनको इकट्ठा करा था कि आपको हम आपके स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग दिलवाएंगे, और नितिन गडकरी को चीफ गेस्ट बुला दिया था, तो सबको लगा कि हाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आ रहे हैं तो ईजिली स्टार्टअप गवर्नमेंट के थ्रू है तो हमको मिल जाएगा, हमको फंडिंग मिल जाएगी। बट वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा कि ऐसी कुछ चीज़ है ही नहीं, ये क्रिएटर्स से उन्होंने गलत उसकी ब्रांडिंग करा दी थी, प्रमोशन करवा दिया था। पैसे के सामने सब झुक जाते हैं। बिल्कुल। है ना। और बहुत सारी अभी वेब सीरीज चल रही है, जो भी वेब सीरीज चल रही है उसमें फेमस डायलॉग होती है, हर किसी की एक कीमत होती है। पैसे से सबको खरीदा जा सकता है। हर किसी की एक कीमत होती है, है ना। तो यही चीजें यहाँ पे आ रही है। बिल्कुल। ब्रांड्स सॉरी सेलिब्रिटीज के पास और इन्फ्लुएंसर्स के पास अच्छी ऑडियंस है, दबा के ऑडियंस है, और ब्रांड्स एक कीमत लगाते हैं वो बिक जाते हैं। हाँ, हर क्रिएटर की कोई ना कोई वैल्यू होती है। अगर आपका ब्रांड अच्छा है और उनको क्रिएटर्स को लगता है कि इस ब्रांड से या फिर किसी चीज से उसके ऑडियंस का कुछ अच्छा हो रहा है, तो हो सकता है क्रिएटर कुछ कम पैसे चार्ज करे। बट हाँ, अगर वो जो चीज़ उसके ऑडियंस के लिए जितनी बेकार होती है, वो क्रिएटर उस चीज़ के उतने ही ज़्यादा पैसे चार्ज करता है।
बट द थिंग इज दैट कि आजकल अगर ब्रांड मना भी करता है, इन्फ्लुएंसर मना भी करता है कि ये प्रोडक्ट मैं प्रमोट नहीं करूंगा, पर ब्रांड आप पैसा बोलो हम करेंगे, एक टाइम पे बिक जाता है। एग्जांपल अपना अक्षय कुमार कंट्रोवर्सी विमल वाली, बिल्कुल है ना। और आज की डेट में आप देख लो हर इन्फ्लुएंसर बैटिंग प्रमोशन कर रहा है, हर सबको पता है कि बैटिंग कितना गलत है उसकी पब्लिक के लिए, कि उसमें कमाना तो है ही नहीं। मतलब बैटिंग ऐप का ये है कि आपको एक बार पैसा देगी, दो बार देगी, तीसरी बार सोचेगी कि जो दो बार दिया है साथ में उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी मैं उससे निकाल लूं। तो बैटिंग ऐप का सिंपल सा, लेकिन फिर भी क्रिएटर उसको प्रमोट करते हैं। और रही बात अक्षय कुमार की, तो आज से 5-10 साल पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं कभी भी ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं करूंगा जिससे मेरी ऑडियंस को, जो लोग मेरे को इंस्पिरेशन मानते हैं, उनका नुकसान हो। बट विमल वालों ने कीमत लगा दी अक्षय कुमार की, तू 5 करोड़ में नहीं कर रहा है, 15 करोड़ में कर, 15 में नहीं कर रहा, 25 में कर, लेकिन कर कर दिया उन्होंने। तो आपने सही बोला कि हर किसी की एक वैल्यू होती है, हर किसी की एक कीमत होती है। बिक गया अक्षय कुमार, आप बिकोगे अगर आपकी कीमत लगाई जाए तो? देखिए वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना ऑफर कर रहा है। अगर मेरे को इतने पैसे देता है जितने मैं कुछ गलत भी प्रमोट कर दूं और मेरी लाइफ सिक्योर हो जाए तो शायद मैं कर दूं। दैट मींस मनी इज इंपॉर्टेंट, पैसा ही सब कुछ है। देखो मैं यहाँ बैठा हूँ तो पैसे के लिए बैठा हूँ, पैसा सब कुछ आप भी नहीं कर रहे हो। देखो ये तो कहना गलत है, वो तो डिपेंड करता है कि आदमी का माइंडसेट क्या है। किसी के लिए पैसा सब कुछ हो सकता है, किसी के लिए पैसा कुछ भी नहीं है। नहीं मैंने क्या बोला, पैसा, आपने बोला पैसा सब कुछ है, मैंने क्या बोला पैसा सब कुछ भी नहीं है। तो देखिए सोचने का तरीका है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सब कुछ कमा के वो लोग सब कुछ छोड़ के चले भी जाते हैं, संत बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, तो क्यों करते हैं? उनके लिए भी तो एक टाइम पे पैसा ही सब कुछ था, इतना सब कमा के वो लोग क्यों चलेगा? आदमी को बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है कि वो लोग नए नए चीज ट्राई करने चाहते हैं। उन लोग ने इतनी फेम देख ली बट एक ऐसी सिंपल लाइफ भी जीना चाहते हैं, दैट मींस वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हो सकता है हाँ, पीस के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। यहाँ पीस की बात ही नहीं है, यहाँ एक्सपेरिमेंटेशन की बात आई है। वो तो उनपे डिपेंड करता है कि क्या करना चाहते हैं। उनको इधर वो चीज़ जो चाहते हैं उनकी लाइफ से अगर वो नहीं मिल रहा है तो दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे, वो चीज़ उनको अच्छी लग रही तो तीसरी चीज़ ट्राई करेंगे। हाँ वो आपने सही बोला कि पैसा ही उनके लिए सब कुछ नहीं होता है, बट हाँ पैसा ही बहुत लोगों के लिए सब कुछ ही होता है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग। दैट मीन्स पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव आप कैसा क्या सोचते हैं, आपका माइंड सेट क्या है, वो उस पर डिपेंड करता है। सो लाइक ऐसे आप इनको स्कैम्स बोल सकते हो, तो नॉट काइंड ऑफ स्कैम्स, यहाँ सब कुछ लीगल है, अंडर द गवर्नमेंट गाइडलाइन चल रहा है। बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने गाइडलाइन लॉन्च करी जहाँ पे वो सारे इन्फ्लुएंसर्स को एक क्राइटेरिया के अंडर करेंगे कि हाँ आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आप प्रमोट कर सकते हो, है ना। और अगर आप फाइनेंस क्रिएटर हो या फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हो तो आपको सेबी रजिस्ट्रेशन के अंडर आना पड़ेगा ऐसे प्रमोशन करने के लिए। तो ये चीज़ें तो बहुत हार्ड हो जाएगी मोनिटाइजेशन के पर्पज के थ्रू। देखिए अगर आपके अंदर स्किल है, वैल्यू है, तो आप बिल्कुल आप सीवी पे रजिस्टर हो सकते हो। उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल ये होना भी जरूरी था। नहीं तो कोई भी माइक लेके, कोई भी फ़ोन उठा के कुछ भी बोल देगा, ये होना बहुत ज़रूरी नहीं। तो हर कोई फिर इन्फ्लुएंसर आजकल बनना चाहता है पैसे के लिए, कि मैं 4 वीडियो ले लूँ, उससे फेक लाइक डलवा दूँ, उसको मैं यहाँ से उस पर एंगेजमेंट ला दूँ और उस पर एड्स चलवा दूँ, बहुत सारे लोगों के पास चल जाए, फिर मैं ब्रांड से प्रमोशन ले आऊँ, उस पर एड चलवा दूँ। तो ये सब तो चल ही रहा है मार्केट में, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। पहली बार सुन रहा हूँ मैं, ऐसा होता है? ऐसा होता है, बहुत सारे जो जिनको पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से आती है वो लोग करते क्या, एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं, बनाते भी नहीं खरीद लेते हैं। जैसे 20,000 हैं उस पर, पहले उस अकाउंट पे कुछ और चल रहा था, वो लोग अगर 20,000 फॉलोवर्स हैं उस पर, 50,000 फॉलोवर्स हैं, तो उनको 5-10 हज़ार रुपये में खरीद लेते हैं, सारी पोस्ट आर्काइव मारते हैं, फिर अपनी एक अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं किसी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर, उसके ऊपर अच्छी एडिटिंग करा देते हैं, उसके ऊपर ऐड चलवा देते हैं, उस पर अगर 100 के लाइक्स वगैरह आ जाते हैं तो ऐसी 25-30 वीडियो रिकॉर्ड करके फिर वो ब्रांड को अप्रोच कर देते हैं कि हमारे पास इतनी सारी ऑडियंस है, सारी रियल है, एंगेजमेंट भी अच्छी है, तो आप हमसे हमारा प्रमोशन करवा लो। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स आती है जहाँ से आप प्रमोशन कर सकते हो किसी का भी, तो वेबसाइट उनसे प्रमोशन करवा लेती है और वो 2-3 प्रमोशन में उनका सारा पैसा बाहर निकाल लेते हैं। ब्रांड्स को ये चीज़ें समझ में नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि जो एक ब्रांड है ना, उसने भी किसी ना किसी को हायर कर रखा है, वो भी एज अ फॉर्मेलिटी क्रिएटर ढूंढता है,
वो ऐसा थोड़ी कि उसके जेब से पैसा नहीं जा रहा, उसने किसी को हायर कर रखा, वो बंदा क्या सोचेगा ठीक है आज का हमारा टारगेट है कि चार इन्फ्लुएंसर से बात करनी है मैं कर लेता हूँ, कंपनी वालों को क्या ही पता चलेगा। और इतनी डीप एनालिसिस कोई नहीं करता है कि उसकी क्या ऑडियंस है, उसके फॉलोअर्स चेक करूँ मैं कितने टाइम से, इतना कोई आजकल देखता नहीं है। हाँ अगर कोई बंदा है जिसका खुद का स्टार्टअप है, उसको अच्छी ऑडियंस चाहिए, तो इतनी मेहनत करेगा सर्च करने पर, रिसर्च करने पर। रिसेंटली आपने सुना ही होगा अरशद वासी स्कैम, वो उसके बारे में क्या कहना चाहिए यार? इज लाइक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो, आई थिंक ये तो मूवी एक्टर। सो वो कैसे स्कैम में फंस गए? उनको इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पता जहां तक मुझे पता है उन्होंने गलत स्टॉक वगैरह, जैसे बहुत सेबी के मतलब गाइडलाइन के हिसाब से आप डायरेक्ट किसी भी स्टॉक को प्रमोट नहीं कर सकते। ओके उन्होंने वही करा कि एक स्टॉक उठाया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत सारा पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया 5-10 करोड़ रुपए। फिर जब स्टॉक ऊपर गया, पब्लिक को पता चला कि इसमें बड़े बड़े स्टार्स पैसा लगा रहे हैं, तो सबने पैसा एक साथ डाल दिया उसमें। स्टॉक मतलब मान लो कि 5 रुपये का था, सबके पैसे डालने को 200 रुपये का हो गया। फिर जब 200 रुपये का स्टॉक हुआ, तो जो जो लोग थे जिन्होंने स्टार्टिंग में उसमें इन्वेस्ट करा था, जो मेन एक्टर बॉलीवुड के थे, उन्होंने अपना पैसा बाहर निकाल लिया। फिर क्या हुआ, वो 200 से सीधे 3 रुपये पे आ गया, तो जो लोग थे उनका सारा पैसा इसमें ही डूब गया था। लाइक रिटेल इन्वेस्टर का कट गया, लाइक जो मेन ऑडियंस थी जिनको अंदर की खबर नहीं मालूम थी, इनसाइड का नहीं पता था, उनके सारे पैसे इसमें चले गए, तो बहुत ही गलत हुआ। और आई थिंक उस पर केस वेस भी हुआ था, उनको परमानेंट बैन भी कर दिया स्टॉक मार्केट से। दिस इज लाइक प्योर पंप एंड डंप केस। बिल्कुल, और सब ये चीज़ था, ये तो हम अरशद वारसी को जानते थे तो हमको मालूम पड़ गया। ऐसी बहुत जगह ऐसा चीज़ चलता है, इनसाइडर ट्रेडिंग चलती है, जो हमको मालूम ही नहीं पड़ती है, और आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है, खासकर गुजरात में। ओके सो लाइक अगर एक बिगनर को सेफेस्ट तरीके से कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करनी होगी, है ना? बिल्कुल। एंड ऐसा कुछ कर ले कि उसके पास सूटेनेबल महीने का 50,000 to 1 lakh कमा ले, तो कितना टाइम जाएगा इसमें? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, तो आप इस चीज़ के लिए मत भागो कि मेरे को महीने के 20,000 to 50,000 रुपये कमाने हैं। अगर आप मेहनत करोगे और आपके इंटेंशंस प्योर होंगे, तो 20,000 to 50,000 रुपये कब 20 lakh to 50 lakh बन जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं किस नीश में हूँ, और आपको मेन है कि आपके ऑडियंस को बस उनकी मदद करनी है, उनको वैल्यू प्रोवाइड करना है। जब कोई फ्री में आपकी मदद करेगा, फ्री में आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, तब ऑब्वियसली उनके लिए कुछ ना कुछ आप भी करना ही चाहोगे। इसलिए आपको ये सोच के चलना है कि हाँ मैं कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ, तो उससे किसी न किसी की हेल्प हो, लोग मेरे को एज अ आइडल, एज अ इंस्पिरेशन देखें। आपको ऐसा नहीं करना है कि हाँ मैंने एक सब्सक्राइबर, एक बेस क्रिएट कर दिया है, अब मैं इनको कुछ भी प्रमोट कर दूँ, इनका कार्ड दूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें प्रमोट कर दूँ जिससे इनका नुकसान हो जाए, तो ये लेके चलना ही नहीं है पैसे के लिए। ठीक है, पैसे आप, आपका अगर टारगेट है कि मेरे को 50 करोड़ कमाना है, आप बुरी चीज़ें प्रमोट करके आप उसको 5 साल में अचीव कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप अच्छी चीज़ें प्रमोट करके, अपनी ऑडियंस की मदद करके आप उस चीज़ को 10 साल 15 साल में भी अचीव करो, तो कोई बुरी बात नहीं है, उसमें आपको मजा आएगा, आप दुआएं कमाओगे, और दुआएं कभी ना कभी जरूर काम में आती हैं। अगर काम नहीं करोगे तो बद्दुआ कमाओगे। बिल्कुल, बद्दुआ कमाओगे, वो पैसा कहीं ना कहीं निकल जाएगा, आप उस चीज को कमा लोगे, वो हॉस्पिटल में जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ बुरा होगा, आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा कि हाँ यार मैंने तो 4 लोगों का काट के पैसा कमाया है, कभी ना कभी वो पैसा आपके पास से चला जाएगा। दैट मींस कर्मा। कर्मा, सो यू आर सेइंग कि मिनिमम लाइक अगर कोई स्टार्ट करता है, और आपके हिसाब से बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए? देखिए आप कंटेंट शूट कर रहे हो, तो कोई आपके लिए प्लेटफॉर्म है ही नहीं। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप सारे प्लेटफॉर्म पे डालो, किसी भी फीस तो लगती नहीं है कि मैं यूट्यूब पे डाला तो मेरे को $5 लगेंगे, इंस्टाग्राम पे डाला $3। आपको सेम कंटेंट रिकॉर्ड करो, आप उस पर एडिट करने में अपनी मेहनत डाल रहे हो, तो आप उसको यूट्यूब पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, और साथ में FB पे डालो। क्या पता FB की चीज़ वायरल हो जाए, तो आपके पास इंस्टाग्राम पे भी ऑडियंस आ जाए, इंस्टाग्राम पे वायरल हुए तो क्या पता यूट्यूब पे ऑडियंस हो जाए, कहीं ना कहीं चीज़ें वायरल होगी तो आपके पास हर प्लेटफॉर्म पे ही ऑडियंस आएगी। तो मेरे हिसाब से हर प्लेटफॉर्म अच्छा है, बस आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। सो यू मतलब यू हैव टू स्टार्ट विद मल्टीपल। बिल्कुल, मल्टीपल प्लेटफॉर्म। ओके, उसमें उस चीज चलने की जो वो रहती है ज्यादा हो जाती है कि ठीक है अगर इंस्टाग्राम पे नहीं चल रहा हूँ तो हो सकता है यूट्यूब पे चल जाऊँ, यूट्यूब पे नहीं चल रहा हूँ तो हो सकता है मैं FB पे चल जाऊँ, मतलब चीजें कहीं भी वायरल हो सकती है, आप कभी भी लोगों की नजर में आ सकते हो। तो इसलिए अगर आप कुछ रिकॉर्ड करने अपना टाइम दे रहे हो, तो आप हर जगह उसको डालो।
सो अगर एफवी पे अपने 200 व्यूज आए, इंस्टाग्राम पे 1000 व्यूज आए और यूट्यूब पे 10,000 व्यूज आए, सो ये भी रहता है ना कि लाइक इफ यू आर प्रोड्यूसिंग कंटेंट, लाइक इफ यू आर प्रोड्यूसिंग कंटेंट फॉर दिस पॉडकास्ट, है ना, सो बेसिकली हमारा पूरा कंटेंट यूट्यूब पे जाएगा. ऑलराइट. तो हम लोग स्पेसिफिक कर रहे हैं ना, यूट्यूब के लिए वर्क कर रहे हैं. देखिए वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप, हो सकता है कि आप इसमें से छोटी छोटी क्लिप्स उठा के आप इंस्टाग्राम पे डाल दो. ओके, वायरल हो जाती है बिल्कुल. अगर आपके पास इंस्टाग्राम पे क्लिप्स छोटी छोटी वायरल होने लग गई तो आप सेम चीज वही, आपकी जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है वो यूट्यूब पे जाएगी. हो सकता है आप इसकी छोटी क्लिप एफबी पे डाल दो, एफबी पे लोगों को अच्छे लग जाए तो आपके यूट्यूब पे चले जाएंगे. तो मतलब हर जगह से आपके पास ऑडियंस आ रही है. मतलब जितने मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आप डालोगे आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, आपके पास ऑडियंस आएगी आएगी. कंटेंट को आप हर तरीके से, कंटेंट की हेल्प से आप ऑडियंस बटोर रहे हैं, मे बी दिस प्लेटफॉर्म, ये कोई भी प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता. मैटर करता है कि आप उससे क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो और लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी क्या मदद हो रही है उससे. अगर उनको लगे कि हाँ इससे मेरे को वैल्यू प्रोवाइड हो रही है तो बिल्कुल आपको फॉलो करेंगे. और ऐसा भी नहीं हर प्लेटफॉर्म पर करेंगे, अगर आपसे कनेक्ट कर जाते हैं तो. और ऐसे ही आप अपना लॉयल फैन बेस आप क्रिएट कर सकते हो, ब्रांड बना रहे हो, ब्रांड बना सकते हो, अपनी फेस वैल्यू क्रिएट कर सकते हो. दिस इज अमेजिंग पॉडकास्ट. हम ऐसे पॉडकास्ट और लॉन्च करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिगनर अगर जिसने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करी है अपनी जर्नी, तो उसको मोनेटाइजेशन पर्सपेक्टिव के बारे में पता पड़ेगा कि हाँ यार मैंने ये चीज़ बना ली है तो पैसे ऐसे कमा सकता हूँ. सो अगर जो भी व्यूअर्स नए हो इस कंटेंट को देखो, देखने के बाद शेयर करो, बिकॉज लाइक दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल. सो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए. सो यहीं पे अपन एंड करते हैं. बिल्कुल, बहुत जल्दी अपन इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे. बिल्कुल, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट सीरीज़ के लिए. अभी तक हमने 2 पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिए और दोनों ही बहुत, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे गए हैं. और हम नेक्स्ट काफ़ी अच्छा और करेंगे, इससे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, लोग हमसे कुछ ना कुछ सीखेंगे क्योंकि उनके लिए तो बिल्कुल फ्री है. और किसी को भी लाइक पर्सनल गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएशन, यू कैन डायरेक्टली डीएम ऑन अंगद सिंह इंस्टाग्राम आईडी, हैंडल्स नीचे में है.